वृत्ति उद्गार में उदान वायु की स्थिति ठीक है, उदानम योजयेत ऊर्ध्वम ऐसा लिखा है, 13वां अध्याय सूत्रस्थान वाग्भट है ना, आखिरी श्लोक है, युंजाद अनन्य मन्नादु है ना, ये देखो आप, तो उसमें उदानम योजयेत ऊर्ध्वम, और दूसरी जगह कहा लिखा है वात शोणित अध्याय में आवरण जहाँ लिखा है वहाँ वो उदानम योजयेत ऊर्ध्वम, ऐसा दोनों टाइम है, तो उदानम योजयेत ऊर्ध्वम यानी कि क्या करना है, तो वमन ही देना है, पहले वस्तु दे देना भाई, उसका वाम अनुलोमन होता कि नहीं वो देखना चाहिए, और अनुलोमन के बाद में वस्तु देना है, वस्तु देने के बाद में अगर आमाशय में दोष है तो तुरंत वमन दे देना, वमन आसान देना है, कुछ मीठा खिला के देना और मदन फल मिला के तुरंत दे देना, और जितना भी खाया है वो उतना निकल गया, और फिर बाद में अच्छी तरह से लंघन देते हैं तो ये बात जो है आप बोलिए वो हमेशा के लिए मिट जाती है, डकार विकार एक ही दिन में ठीक हो जाती, उसके लिए देर नहीं लगती, तो आदत हो जाती है, इसलिए थोड़ी गैस निकलते नहीं जल्दी, तो कुछ बस्ती बाद में देना पड़ता है, 2-3 बस्ती 0 बस्ती बाकी दूसरा कुछ नहीं, पर आमाशय को कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन उदा जो उद्गार है उसकी चिकित्सा जो है शास्त्रीय चिकित्सा, तो उजानम योजयेत ऊर्ध्वम ऐसा है। हिक्का श्वास यतस्तुल्य हेतुवाद्या साधनम तथा ऐसा है ना, हिक्का ये और श्वास इसकी एक ही एक चिकित्सा है, हिक्का में नस्य करना पड़ता है, इसमें नस्य नहीं करना पड़ता, नस्य तो करना पड़ता है लेकिन हिक्का में बस्ती कभी कभार वमन देना पड़ता है, नहीं तो फिर एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें हिक्का में भी रक्तमोक्षण करना पड़ा था मुझे, एक बात तो वो ऐसी थी कि हमारे रिश्तेदार थे, रात में उनको जरा रेस्टलेसनेस लगा, अस्वस्थ बना उनको जी, तो उनको लगा कि अपने को हार्ट अटैक आ गया है और अपने को जल्दी ट्रीटमेंट करना ही को होना, इसलिए किसी के साथ वो नासिक को अस्पताल में चले गए, बड़े अस्पताल में, अस्पताल में बड़े चले गए तो उनको इन्वेस्टिगेशन, बड़े अस्पताल वाले तुरंत चिकित्सा शुरू नहीं करते, इसलिए वो क्या करे, वो पेशाब तपासे, खून तपासे, एक्सरे निकाले, ये एंडोस्कोपी किए, बाकी तो सब जो बाकी कार्डियोग्राफ निकाले वो सब इन्वेस्टिगेशन में 4 दिन लगा दिए, जब तक के क्या हुआ, इतना पेट फूल गया संडास नहीं, पर वो सोचते हैं लोग कि संडास की क्या ज़रूरत है, आदमी को संडास होना ही चाहिए, ऐसा थोड़ा ही है, और होना है तो अपने आप होगा, वो तो नेचुरल सिस्टम है, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, ऐसा सोचने वाले लोग हैं ये, तो फिर इतना पेट तो फूलने लगा, फिर उसने कुछ तो भी दवा देने को होना, इसलिए एक एंटीबायोटिक बड़ी तरह स्ट्रांग 400 या 800 mg सिपैलोक्सिन वो दे दी एक गोली, देते बराबर क्या हुआ कि उसको हिक्का शुरू हो गई, जब तक कि हिक्का नहीं थी लेकिन ठंडा भी साफ नहीं, गैस भी पास हो ही नहीं, और डॉक्टर कुछ करते भी नहीं, क्या करे, मुश्किल आ जाए, तो फिर आखिरी वो डॉक्टर को बोल दिया कि वो जल्दी करो, नहीं मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, संडास नहीं होती, एनिमा करने को ना हो गई, वो तो खुद बताते तो भी डॉक्टर नहीं मानते, डॉक्टर बोलते संडास तो अपने आप होती है सब लोगों को, उसको क्या करना पड़ता है ऐसी बात है, वो तो बात बहुत मुश्किल की बात, तो फिर प्रवीण भैया मामा से उनके नासिक को उनको लेके आए, यहाँ लेके आए तो फिर हम उसको बस्ती दिया, बस्ती देने के बाद संडास हो गई तो उनको आधा तो ठीक लगा, संडास होने के बाद सबको ठीक लगता ही है तो उनको भी बहुत अच्छा, अरे तो उसने कहीं किया नहीं, बोले मैं तो बहुत बार बार बताता था उनको कि मुझे संडास होने को ना, मुझे बस्ती दे दो या इनिमा दे दो कुछ तो भी, लेकिन वो कुछ मानते ही नहीं थे, बोले क्या करें, मुश्किल की बात, और दवा इतनी स्ट्रांग शुरू कर दी कि उससे वो गड़बड़ हो गई, लेकिन हिक्का कम नहीं हो रही, थोड़ी सी हिक्का कम हो गई लेकिन ज़्यादा हिक्का कम नहीं हो रही थी, क्यों नहीं भाई, पेट में भी कुछ नहीं तो भी ऐसा क्यों हुआ, तो फिर ख्याल आया कि वो 800 की सिपैलोक्सिन जो दिए थे वो तो पॉइजन है ना, इसमें स्टमक इरिटेट हुआ और डायफ्राम स्टिप हो गया, तो इससे हिक्का ज़्यादा बढ़ने लगी, तो वो कम नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि एक विषारी कल्प दे दिया, इसलिए विष की चिकित्सा करने को ना, इसलिए मैंने क्या किया कि उसको रक्तमोक्षण किया, और रक्तमोक्षण करते बराबर
कौन सा भी हिक्का हो या कुछ भी विष वेन में 50 सीसी में कम हो जाता है। 50 सीसी अगर ब्लड आउटलेट रक्तमोक्षण करते हैं तो पूरा हो जाता है, मतलब उससे वो विषैली चीज़ उससे निकल जाती है। अग्रे श्रवती दुष्टाश्रम ऐसा उसके लिए अपने पास श्लोक है। तो 50 सीसी निकालने के बाद वो बिल्कुल तुरंत हिक्का कम हो गई। तो हिक्का के लिए भी बस्ती है, जरूर लगी तो गोमंत भी देना पड़ता है और जरूर लगी तो रक्तमोक्षण भी करना पड़ता है, एक ख्याल रखना। ऐसा नहीं कि वो पेशेंट आया और बस्ती देने को ना और ठीक ही हुआ, ऐसा नहीं है। तो बस्ती के बारे में एक ख्याल रखना, बस्ती तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा है और बस्ती देते बराबर वो ठीक हो जाती है और इतनी जल्दी ठीक हो जाती है और बहुत से रोगों में बस्ती बहुत काम आता है। इसलिए तीसरा तीसरा अध्याय कल्पस्थान बागभट इसमें दिया है। तो बस्ती व्यापक चिकित्सा, तो उसमें जो बस्ती की चिकित्सा उन्होंने बताई है तो उसके लिए वो एतत् सद्यो रक्तनाशनम् तुरंत ठीक करने वाली चिकित्सा ऐसे बताया। तो बस्ती अलग अलग प्रकार के उन्होंने बताए और बस्ती से काम भी बहुत हुआ। तो एक बस्ती के बारे में एक कथा सुनाता हूँ, हमारे पास कथाएँ बहुत है, आपको अगर भाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बोल देना कि अरे ये तुम्हारी कथा भी था हमको नहीं चाहिए से आता है चाहिए। तो ये बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैन साध्वी प्रीति सुधा जी करके थी, मैं है अभी वो प्रीति सुधा जी मालेगांव को चातुर्मास के लिए आई और चातुर्मास के लिए आने के बाद उसका मुझे वो तो बाद में नहीं, पहले तो 2 बरस तक उसका सर दुखता ही था बहुत ज़्यादा। तो एनाल्जेसिक दे वगैरह जो एंटीस्पेस्मेटिक वगैरह देके थोड़ा सा आराम लगता था उसको, बहुत डॉक्टर उनके आजू बाजू के थे तो ये गोली लो इससे आराम लगेगा, वो गोली लो इससे आराम लगेगा, चलता ही रहा 2 बरस। लेकिन अभी तो चातुर्मास था तो व्याख्यान देना पड़ा और व्याख्यान देने के टाइम अगर सर दर्द है जोर से है तो कैसा व्याख्यान दे सकती, मुश्किल थी। इसके लिए वह डॉक्टर बरंट उनके रिश्तेदार भी है और अपने सानुगुरु जी आरोग्य मंदिर के मुख्य है। तो वो जो है वो फिर दुनिया आ गए, जब वो सानुगुरु जी में आरोग्य मंदिर नहीं था जब, तो दुनिया आ गए और मेरे तरफ आए, बोले कि नाना कुछ तो भी करो, प्रीति सुधा जी का सर ठीक होने को ना हो तो व्याख्यान देंगी और उसका सर दुखेंगे तो व्याख्यान कैसे देंगी, मुश्किल है, तो चलो जल्दी। मुझे चलो भाई, तो 5-6 बज गए थे, 1 घंटे में पहुंच गए हम, 6 बजे तक पहुंचे हुए मालेगांव। मालेगांव को गए, उनकी मिला उनको, नब देखी, नब देखने के बाद मैंने बता दिया उसको कि तुमको बस्ती लेना पड़ेगा। बस्ती लेना, बस्ती क्या होता है, मन के एनिमा देना पड़ता है संडास की जगह से और ऐसा ऐसा हम करेंगे। हाँ तो मैं नहीं लूटूंगी, बोला क्यों, बोला तो अरे मैं साध्वी हूँ, साध्वी कहीं बस्ती लेंगी, मुश्किल है, नाम नहीं लेंगी भाई, अभी क्या करें, वो तो लेने वाली नहीं और बस्ती की सिवाय मैं मानने वाला नहीं, क्योंकि बस्ती पंचकर्म अगर है तो फिर मैं इसको अल्टरनेट नहीं लेता कभी, पहले पंचकर्म करती कि बाद में तो बहुत सी दवाई है वो खाने, उससे दूसरा कुछ नहीं, लेकिन पहले मैंने बोला तो वो बस्ती तो लेना ही पड़ेगा भाई। तो उनके मैं बस्ती नहीं लूँगी, उनके मैं चिकित्सा नहीं दूँगा। फिर मैंने निकल आया उधर से डॉक्टर बरन के घर को, उनके मैं आपको जब तक बस्ती नहीं लेती जब तक मैं चिकित्सा आपको करूँगा नहीं। साथ में मैं जब गया तो सरिता कामड़ी करके गोवा की BMS लड़की थी, वो तो आई थी, वो फिर उसको बोला कि भाई चल साथ में, अगर बस्ती देना पड़े तो दूर लगेंगे। तो हम तैयारी करके ही गए थे और देने वाली वही थी, लेकिन तो भी वो माने नहीं, क्या करें। तो फिर हम घर को चले गए, थोड़ी देर के बाद बरन डॉक्टर को बोल लगा कि भाई क्या बात है भाई, ये तो नहीं ना बोलती है, उसका सर ठीक नहीं हुआ तो ये तकलीफ़ करेंगे और अभी इतने दूर से नाना को लाया और पहुँचाना पड़ेगा और फिर कब आएंगे कुछ कब नहीं मालूम नहीं। तो इसमें झंझट में वो बहुत घबरा गए, तो फिर गए फिर से उनकी तरफ और पूछा, उनको देखा, सब अच्छी तरह से समझा बुझा के उनको राजी किया कि भाई चलो बस्ती ठीक है, तो बस्ती देने वाली तो ये लड़की है BMS तो वो दे देंगी। तो इसके हिसाब से मेरे सरिता को बोला जब तू बस्ती दे देना, पैसा देना तो उनको बताया था कि 1 चम्मच अपने 100 ग्राम 200 ग्राम तेल, वात के लिए 200 ग्राम ज़्यादा होती है ना, तो फिर 1 लीटर में 1 अष्टमश हो गया चतुर्दश,
तो फिर बाद में त्रिफला चूर्ण एक चम्मच, सैंधव आधा चम्मच और एक लीटर पानी कोमा करके रखा। फिर उसने बराबर वो तेल दे दिया, थोड़ी देर ठहरी, फिर बाद में थोड़ा देने के बाद जाके आए, फिर बाद में वो बस्ती दे के दे दिया। उसने बस्ती दे के वो भी चली आई, लेकिन दूसरे दिन सुबह फिर से लेने को आना पड़ेगा उनको, इसलिए वो बोले कि आज तो यहाँ ही रहो। मैंने ठीक है, रहते भाई क्या करें, इतने दूर से आने से तो ये अच्छा है। तो फिर हम मुकाम किए उधर, खाना पीना हो गया, रात को सोए। सुबह 8 बजे उनका निरोग कि आपको बुलाया नाड़ी देखने को, मुझे चलो गया। तो बोले कि इतनी आश्चर्यकारक दवाएं मैंने कभी देखी नहीं। तो बोले आज बस्ती लेने के बाद रात में इतनी अच्छी सोई मैं कि रात भर कुछ तकलीफ नहीं। सुबह उठते बराबर मेरा सर दुखने शुरू हो जाता था, अभी बिल्कुल नहीं दुखता, नहीं हल्का सा लगता और कुछ तकलीफ नहीं रही। और अभी तो इतना अच्छा, एक ही बस्ती में इतना होता है, इसको क्या बोलते हैं? मन पंचकर्म है, और पंचकर्म तुम पंचकर्म करती उधर, मैं तुम्हारा अस्पताल है सब पूछ लिया, तो भाई हमको यहाँ भी अस्पताल होने पड़ा। तो फिर वो उनके शिष्य होते हैं, जैन शिष्य बहुत होते हैं और श्रीमंत भी होते हैं, तो उनकी मीटिंग बुलाई उन्होंने। और मीटिंग में फिर बोले कि यहाँ होने को होना अस्पताल पंचकर्म का। सब में फिर पैसे बोलने लगे और एक बैठक में 23 लाख रुपये जमा हो गए। तो एक बस्ती की कीमत 23 लाख भी हो सकती है। और अभी वो सानी गुरु जी आरोग्य मंदिर या जो चल रहा है, तो इसी से प्रीति सुधा जी से चल रहा है, तो उनका सर ठीक हो गया। तो एक ही बस्ती से इतना 2 वर्ष का सर एकदम ठीक हो सकता है, ये बस्ती का प्रभाव है, ये ख्याल रखना। ये शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, उससे दूसरी दवा 80,000 वर्ष तक अगर कोई संशोधन करे तो भी इससे अच्छी दवा मिल ही नहीं सकती, और कोई संशोधन भी नहीं कर सकता। तो ये बात पूरी ठीक है कि शरीर जाराम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु। बस्ती विरेक अनिवमन तैल, बस यही आयुर्वेद है, इसके अलावा आयुर्वेद नहीं। तो बस्ती का प्रभाव कैसा होता है ये मैंने आपको बताया। अभी चल रहा है, चल रही बात तो बस्ती के बाद में और एक कथा बता दूँ। और तो कुलट करके बहुत बड़े वैद्य इधर पुना में, और मैं यूनिवर्सिटी में मेंबर था तो हर महीने जाता था। तो गया, मीटिंग हुई, फिर वो क्या बोले कि नाना आज हम हमारे घर को आओ, रात में खिचड़ी विचड़ी खाएंगे और गप्पे मारेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। चलो भाई, इतना बड़ा आदमी बुलाता है और मैं तो देहाती आदमी, तो फिर मैं उसके हिसाब से गया खिचड़ी विचड़ी खाई। और फिर अरे मुझे तो जल्दी नींद आती, या तो 7:30 बजे सो जाता। तो मन क्या भाई, तो भाई मेरे तो नींद आ रही है, क्या चर्चा करेंगे। मन क्या अच्छा ठीक है, वो तो गादी डाल दी मैंने, बेड तैयार कर दिया मैंने, सो गया मैं। सोने के बाद क्या हुआ, 1:30 बजे उनके भाई का लड़का 7-8 महीने का था, और वो ज़ोर से चिल्लाने लगा, इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा कि सब घर बेबान हो गया। तो सब घर हिलने लगा, जैसा बोलते ना अपन वैसा। तो इतनी ज़ोर से चिल्लाने लगा, सब घबर गए घर के लोग, वैद्यराज भी घबर गए। उन्होंने कहाँ देखा था इतना, वो तो भूत भी प्रख्यात हुई है, तो फिर वो ग्रंथों में लिखा है वहाँ, लेकिन उन्होंने कभी देखा थोड़ा ही था। तो फिर सब घबर गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो उनके जो रिश्तेदार और कोई संबंधी या पहचान के लोग जो चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं, उनको उन्होंने फ़ोन किया, 10-12 लोगों को, एक भी आने के लिए तैयार नहीं। रात में कौन आता। तो बस, तो फिर मैंने ऐसा कर दो ऐसा कर दो, उन्होंने बातें बना दी खाई, और इसको तो बहुत तकलीफ हो रही, क्या करना। तो मुझे नींद खुल गई, मेरी नींद खुल गई। तो उठ के बैठा, उनके क्या ही इतनी गिल्लत कर रहा है, क्या बात है भाई। तो फिर मैंने उनको पूछा कि क्या भाई तेरा क्या बात है। तो बोले अरे भाई का लड़का है, ऐसा ऐसा हो रहा है, वो तो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, और मैंने भी सुना कि बहुत ज़ोर से चिल्लाता था, और सब घर के लोग घबराए हुए, इधर उधर घूमते थे, कि खाली धाव दौड़ बोलते ना अपनों से, करते कुछ नहीं थे, क्या करेंगे, वो तो चिल्लाता था। तो फिर बाद में मैंने उसको बोला कि भाई तुम्हारा आवाज़ पिचकारी है। हाँ बोले है। तो एक लोखंड की पिचकारी बहुत दिन से पड़ी हुई थी, उन्होंने साफ सुफ करके मेरे पास ला दी। फिर हमने एरंडे का तेल और तीले का तेल मिला के, तो पिचकारी 100 ग्राम हो गई होंगी।
वो तो कोमा करके मैंने उसको बस्ती दे दिया। बस्ती तो दिया और उसकी जो इतनी संडास हुई, इतनी सफ़ेद और इतनी संडास हो गई, तो उसको बहुत अच्छा लगा लगा होगा, तो वही सो गया। तो सुबह तक सोई दे रहा और तो उसको उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे वो मुझे पूछता है कि तेरे ये कैसे सूझा। अरे सूझने की बात ही नहीं, मैं तो हमेशा यही करता हूँ ना। मैं आदमी देखा कि मैं उसको पूछता नहीं, तुरंत तेरे को क्या हुआ, मैं तुरंत उसको बस्ती दे देता, फिर बाद में वो पूछता कि क्या होता। ऐसा मेहमान हमारे गुरु जी टी एम गोखते, मेहमान जर घर आते तो कुछ जरूर हो ना हो तो भी पूछ लेते कि नाना कैसी क्या तबीयत है। अरे तबीयत पूछने की क्या बात है, वो तबीयत के पूछने की बात है, लेकिन वो ऐसे ही पूछते सब लोग, वाह वाह कैसी तबीयत है, बूढ़े हो गए जन अभी तक है तो भी तबीयत भी ठीक होगी कि नहीं, इसी हिसाब से काम चलता है। तो फिर नाना पूछते तो वो भी पूछ लेते कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, उन्हें बोले ठीक नहीं है, चलो बस्ती लेने को। तो मेहमान घबरा के भागे। तो ये बात हमेशा मुझे बस्ती कितना अच्छा है और कितनी जल्दी ठीक करता है, तो इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा बस्ती ये चिकित्सा शाखागता कोष्ठगताश्च दोषा मर्मोर्ध सर्वावयवांगजाश्च है ना, ये संति तेषाम नति कश्चित अन्यो वायो परम जन्मनि हेतु रस्ति, ऐसा ऐसा बस्ती। तीसरी बात, ये बस्ती के बाद बहुत अच्छी है, मुझे सबको अच्छी लगती है, जो बस्ती लेता है उसको भी, और ना लगता तो देख के अरे उसको बस्ती दे दिया ठीक होगा, तो अब ठीक लगता है। तो नाना साहेब मुझे हमारे गुरु जी वो अमरावती में प्रैक्टिस करते थे, उनके भी पहचान के लोग हो गए, उनमें से एक मित्र ने उनको फ़ोन किया कि बच्चा है, बच्ची है छोटी बच्ची, तो एक डेढ़ साल की है, लेकिन उसको बुखार हो गया और वो अचके दे रही है, यानी कि अपस्मार बोलते हैं ना अपन, छोटे बच्चों को हो जाता है ऐसा, तो ज़ोर से अपस्मार हो जाए, ऐसी हिचके आँखें बिखेरी दे रहा, तो बहुत सीरियस है, कुछ तो भी करो जल्दी, क्या करना है। और वो तो 10 किलोमीटर दूर अमरावती से, तो फिर बड़ा मुश्किल के काम, तो उनकी ऑस्टिन गाड़ी थी, उनके साथ आनंदराव तायड़े करके उनके सहायक भी थे, वो भी साथ गए, दोनों गए उधर, और जाते बराबर उन्होंने देखा अरे इसको तो बस्ती देना है, पैसा देंगे मुश्किल है, तो सामान तो लाया नहीं, इतने दूर से जाके फिर सामान लाना भी मुश्किल, क्या करना। तो आनंदराव दाड़े बहुत अच्छा आदमी था, कि जो मैकेनिक भी था, सब काम वही करता था, और उसको सूझता भी था क्या टाइम पर कि क्या करना है क्या नहीं। एक एरंडी का पेड़ था, उसका एक पत्ता काटा उसने, तो पत्ता निकाल दिया और एक बाजू की दांडी निकल दी, वो तो नली हो गई, तो उसमें त्रिफला चूर्ण सैंदव तेल ये मुंह में रखा और फिर वो एनस में लुब्रिकेशन करके डाला और ज़ोर से फू करके करा उसने, तो संडास हो गई और बच्चा सो गया। एकदम संडास हो गई, तो वही बात है ना, तो जो आक्षेपक आते हैं तो हमेशा ख्याल रखना कि आक्षेपक जो है हमेशा तो वाद के होते हैं है ना, और वाद पक्वाशय में होता है, और पक्वाशय में गड़बड़ी होने के सिवाय आक्षेपक होते ही नहीं, तो पहले बस्ती देना यही उसका काम है, वाते वाह बस्ती रिश्वत है, वो तो निकल जाएगा तो तान तब हो जाता और तुरंत ठीक हो गई वो लड़की। तो इसी हिसाब से जब भी बस्ती देते हैं अपन, तो बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा बस्ती, उनको नहीं करने करना कुछ नहीं पड़ता है। तो आप मेरे ख्याल में आपके आप में से नहीं थी कोई ये लड़की थी है ना, वो गए मरतबा गई वो क्या उसको बोले प्रियंका का क्या नाम था, तो हम एक छोटे बच्चों देखने गए यहाँ है ना, याद है आपको, तो छोटे बच्चों मुझे यानी कि 15 दिन का या अस्पताल में भर्ती हुआ था, मुझे अस्पताल मुझे प्रसूति उधर हुई तो उधर ही था, तो 15 दिन तक उसको तो पीता नहीं था, बहुत तकलीफ करता था, श्वास लेने में तकलीफ, ये सब गड़बड़ हो गई। तो फिर डॉक्टर बोले कि वैसे इसको घर को लेके जाओ, जो कुछ भी होगा होगा, अभी यहाँ मैंने जो कुछ करना है वो कर दिया है, वो पेटी में विपटी में रखते हैं वो होता है। तो फिर हम लेके गए बेचारे घर को, लेकिन वो तो स्तनपान कर नहीं पाता था, वो तो खींचता नहीं था, तो फिर और भी दुबला हो गया, और क्या करें, मुश्किल बात है, और उनको लगा कि अभी बच्चा बचता नहीं। तो मैंने
उसको लेके गए प्रियंका को, और कोई और भी था एक लड़का मेरे ख्याल में हुआ, तो फिर वो गई, तो फिर वो उसको अरंडी का तेल और शहद स्तन चुचुक को दबा के ऐसा मसलने को बोला और नरम करना और वो खींचेंगी, और अरंडी का तेल और मध मिला के उसको पिला दिया। एक दो घंटे में उसको संडास हो गई, और वो उल्बम निकाला नहीं, और अंदर में जो मटेरियल पड़ा है वो तो निकल जाएगा, तो ठीक वो तो सोचते नहीं, वो अंदर में पड़ा है निकलने को होना, और उससे तकलीफ कम होती है, ये तो कोई सोचता नहीं। तो वो संडास हो गई दो तीन, और फिर वो अपने आप खींचने लगी और पीने लगी। दूसरे दिन उसका निरोग कि वो ठीक हो रही है बिल्कुल, अभी कुछ तकलीफ नहीं उसको। तो ये जो बातें बारीक बारीक बातें होती है, लेकिन आयुर्वेद से बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं बताता कि आयुर्वेद में बाल रोग चिकित्सा इतनी अच्छी है कि उसके लिए कोई भी अगर बाल रोग चिकित्सक बनता है तो उसको बहुत फायदा होगा। करना कुछ नहीं पड़ता, जानवरों के और डॉक्टर बाल रोग चिकित्सा एक जैसे होते हैं, जानवरों के डॉक्टर और बाल रोग चिकित्सक, क्योंकि उनको भी वो कुछ बता नहीं पाते, वो जानवर भी बता नहीं पाते, उनको ही देखना पड़ता है कि उसको क्या हो गया, और फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों की चिकित्सा करना बिल्कुल नहीं कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो तो बोलते नहीं, उनको भी मन होता है, उनको भी वेदना होती है, उनको तो तकलीफ होती है, लेकिन उसमें ऐसा एक संकल्प ऐसा उन्होंने दिया है बाल रोग चिकित्सक ने। ज़्यादातर के उत्तर स्थान सुश्रुत उत्तर स्थान अध्याय 27 से लेकर 37 तक नवग्रह स्तोत्र नवग्रह चिकित्सा करके है उन्होंने दिया है। स्कंद स्कंदापस्मार वैश विशाखा शिपुतना शीतपुतना स्कंद तुम्हारा मुखमंडिका नयगमेश, ये नौ ग्रह है और अलग अलग उनके गुण हैं, है ना। मुझे लक्षण बताते हैं, गुण यानी कि वो लक्षण होते हैं, ये स्कंद के लक्षण है तो इसके लिए ये चिकित्सा, ये पूतना के लक्षण है शीत पूतना के लक्षण है उसके लिए ये, सब बराबर बता दिया है। मुझे आगे चलकर मुझे पहले भी ऐसे अस्पताल हो गए तो माँ आए बच्चों को लेके बैठी, तो जो नर्स परिचकार आती तो उन बच्चे के पास जाती और बच्चे को वैसा हाथ में कहती नहीं, शांति मंत्र पढ़ती, ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, और उसको एक धागा गले में डाल देती। तो जब से लेकर जब तक के वो माँ के पास फिर से आती नहीं चिकित्सा करके, जब तक लड़का लड़की रोती नहीं तो चिकित्सा करती रहती है। अंदर जाके क्या करेंगे, तो पहले हर एक का मुझे अलग अलग दवाइयाँ या कुछ प्रक्रिया होने वो अलग अलग है, लेकिन सब चिकित्सा एक जैसी। जाते बराबर उसको एक अच्छा घी पिलाते हैं सिद्ध घी, फिर अच्छा तेल सिद्ध तेल को लगा के उसको वो उद्वर्तन करते हैं। उद्वर्तन करने के बाद वो हंडी लगी होती है ऊपर, उसमें काढ़ा होता है कोमा कोमा, वो काढ़ी निकाल के वो जो धार पड़ती है वो उसके ऊपर अभिषेक होता है बच्चों को, तो अच्छा पूछ के फिर वो धूप देते उसको, फिर बाद में दूसरी दवा पिलाते और माँ के पास ला के देते। इतना होने तक वो बच्चा रोता नहीं, आश्चर्य की बात है ना। तो ऐसी भी चिकित्सा जब होती थी। और दूसरी बात है कि आप अपने को ठीक क्यों नहीं लगता, तो बोले वो जो नई गमेश है, वो जो शीतपुतना है, वो तो ग्रह है, वो कहीं आकाश में होगी होगी नहीं होगी, उनको आरती करना पड़ती है, नैवेद्य बताना पड़ता है, ऐसा लिखा है तो होगा। लेकिन ग्रह ये जो शब्द है ये इन्फेक्शन से मिला जुला है, तो इन्फेक्शन हो गया ऐसा अपन बोलते कि नहीं, ये इसका इन्फेक्शन है उसका इन्फेक्शन है, वैसा ग्रह यानी कि इसने पकड़ लिया उसने पकड़ लिया, इन्फेक्शन ही हो गया समझो। और इसी हिसाब से फिर धूप दीप अलग अलग प्राणियों के बाल नख वगैरह उसके हिसाब से वो देते हैं, पर बहुत अच्छी चिकित्सा है, हमने करके देखी है थोड़ी थोड़ी, और बहुत जल्दी मुझे एक ही दिन में बहुत अच्छे बच्चे हो जाए, उनके लिए दूसरा कुछ करना पड़ता नहीं। तो अगर कोई बच्चों की चिकित्सा करना चाहता है तो इसका हिसाब करके उसको ज़रा अभ्यास करना और देखना, एक एक बच्चा बच्चों की शिविर लेना, शिविर लेने से बहुत बच्चों आते हैं तो कहीं चुन के उनके लिए ये चिकित्सा ग्रह चिकित्सा करके देखनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में दुनिया का अव्वल दर्जा का
ये बाल रोग चिकित्सक चिकित्सालय होगा ऐसा मुझे लगता है, करके तो देखे क्योंकि इतना खाली हरी टकी दे दिए तो भी ठीक लगता है, थोड़ा वचा दे दिए ठीक लगता है, मदन फल या वमन देते दे तो ठीक लगता है, एरंडेल मत देते देते तो भी ठीक लगता है, बच्चों को सब भी ठीक लगते हैं। और डिहाइड्रेशन हो गया, धाव दौड़ करी, बुखार आए तो सीतोबला दिया, थोड़ा सीतोबला दी चटा दिए तो बिल्कुल सो जाता है बच्चा। तो ये इसी हिसाब से बच्चों की चिकित्सा अपने इसमें बहुत है, बहुत अच्छी है। और उसको वात का, पित्त का और कफ का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से आने को रहा। वो कंसेप्ट इसलिए आने को ना कि अपन सोचते हैं कि ये कुछ भी अलग अलग सिक्रिएशन अंदर है, ऐसा नहीं है। वो फंक्शनल चेंजेस जो है उनके ग्रुप बनाए, इसलिए पंचमहाभूत के ग्रुप बना के ये वात है, ये पित्त है, वो कफ है, उनका स्थान बनाया कि आमाशय पश्चिम आमाशय पक्व उसमें वो बनते थे, ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा बनते हैं तो प्रकोप हो जाता है, उससे बाहर जाते हैं तो प्रसर हो जाता है, और जहाँ रोग बनाते हैं वो संसर्जन ये होते स्थान संश्रय हो जाता है। इसी हिसाब से वो सब वो स्थान संश्रय होने वाली जगह वह स्नेह स्वेदन करके कोष्ठ में लाना और बाहर निकाल देना, यही सब जगह चिकित्सा है। यही सब जगह बालकों को भी चिकित्सा वैसी है, बच्चों को भी चिकित्सा वही, बड़े आदमी को भी वैसा चिकित्सा है, बूढ़े आदमी को तो वैसा ही नहीं, तेल वृद्धत्व क्षीर घृते ये जो अनुवासन वगैरह ऐसा अपन देते, इसी हिसाब से आयुर्वेद की चिकित्सा अगर कोई करता है तो उसको निश्चित गुण ही मिलेगा, तकलीफ कम रहेगी और बहुत अच्छा फायदा भी होगा। बहुत कई कई बार तो आश्चर्यकारक फर्क पड़ जाता है। उसका एक और भी उदाहरण मुझे याद आ गया तो अभी मैं बता देता हूँ। एक 4 साल का बच्चा था, वो हमारा डीलर है धन्वंतरी आयुर्वेदिक फार्मेसी का, उनका नातू यानी कि लड़के का लड़का। तो उसके सुबह उठते बराबर उसकी माँ ऐसी हो गई तो फिर वो तो डर गए कि भाई ऐसी हो गई, अभी इसको क्या करेंगे। बाल रोग चिकित्सक को घर को बुलाया, उन्होंने कहा तो भाई हो जाएगा, ये ऐसा मान में तेल भी लगा दो खाली, ये बाटली दिया है वो ठीक ले गए, वो चला गया। और लेकिन जब तक के मान ऐसा है, जब तक कि वो घर में स्वस्थता नहीं, क्या करें, किसको बुलाए, मुश्किल। तो किसी को याद आ गई कि वो नाना को भी बुला के देखे वो क्या बोलते, वो देखना तो है। तो फिर वो आ गए मेरे पास, तो मैं गया कि देखना, तो पहली बात ये करना है, ये बात टेढ़ी हो गई है, ये बड़बड़ा रहा है, आक्षेपक आ रहे हैं, ये जो वेग जिसमें है वेग, ये सब बात के होते हैं। तत्र रुक्षो लघु शीत खरस सूक्ष्म चरों ने, तो मैंने तेल निकाला, बस्ती एरंडी का तेल और ये चीजें का तेल मिला के उसको बस्ती की तैयारी की और तुरंत बस्ती दे दिया। बस्ती देते बराबर उसको संडास हो गई। उसकी माँ बोली कि भाई 2 दिन से संडास नहीं थी उसके, वो तो बताती नहीं, क्यों बताने की जरूरत नहीं महसूस करती ना कि वो संडास नहीं हुई ऐसा, और संडास हो गया तो जैसे बावली मान घुमाती है ना वैसे ऐसी हो गई। तो इतना आश्चर्य लगा, धाव दौड़ अरे बाप रे। तो ऐसी कुछ केसेस थी कि जो इतनी इमरजेंसी में काम आई। आगे चलकर मैं जब एक एक विषय आऊँगा जब बताऊँगा, तो इसलिए हमारे दवाखाने में इतनी गर्दी होने लगी। शिवाय हम शिविर लेते थे, शिविर देहातों में लेते थे, देहाती लोगों को बहुत फ़ायदा होता था, उनको पता चला कि भाई यहाँ सस्ते में और अच्छी चिकित्सा मिलती है, तो फिर वो भी आने लगे। तो सिविल अस्पताल के बाद में हमारे अस्पताल में 600 रुग्ण रोजाना बाह्य रुग्ण होते थे, और 35 बेड का पंचकर्म चिकित्सालय भरा हुआ होता है, 2-2 महीने का नंबर लगाया होता है। तो इतनी गर्दी ये आयुर्वेद से होती है, और इमरजेंसी में भी आयुर्वेद इतना ही जल्दी काम करता है जितना आज के आपका शास्त्र करता है, ऐसा लोग सोचते हैं करके, ऐसा अभी सोचना ही है, क्योंकि वो तो पड़ा रहता है बेचारा, वो तो टोचते रहते और ठीक कर दिया बोलते, क्या बात है मुश्किल, और फिर आखिर वो नलियाँ निकाल देते और बोलते हैं कि गया दूसरा तो कुछ मिला नहीं उसको। तो ये बात है, इसलिए मैं हमेशा ये बाल रोगों की चिकित्सा भी अच्छी तरह से, और बस्ती की तो बात ही नहीं, किसी को भी बस्ती अगर दे दे खाली, मैं तो सोचता हूँ कि खाली बस्ती चिकित्सा ऐसा एक पार्टी लगा के बैठो, कोई भी आए तो बस्ती देना, 8 आने में बस्ती, 1 रुपये में बस्ती, बात पहले से मैं हम देते थे, अभी 100 रुपये लो भाई तो भी देंगे ना, तो इससे कोठा साफ हो जाएंगे तो क्या करेंगे। मैंने बोला ना कि म्यूनसिपाल्टी के लोग थे
सब 40 लोग उनको सबको बस्ती दे दिया तो मेरा पंचकर्म चिकित्सालय बन गया, और भी कुछ बन सकता है ना। तो यही बात उसमें है।